ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये सत्य है कि जो व्यर्थ और निगेटिव से मुक्त रहते हैं उन्हें ही परमात्मा अवार्ड मिलता है, और परमात्मा अवार्ड है विश्व की बादशाही। ये भविष्य का इनाम है और वर्तमान का इनाम होगा संपूर्ण सुख, संपूर्ण शांति, परमात्मा प्रेम, सर्व खजाने। आत्मा पूरी तरह तृप्त और भरपूर हो जाएगी। बाबा अनेक वरदानों से ऐसी आत्माओं को संपन्न कर देंगे। तो आइए हम सभी योग अभ्यास बढ़ाकर व्यर्थ और निगेटिव से मुक्त हो जाएं। हमें बहुत ध्यान देना है अपने योग के चार्ट पर। ऐसा नहीं केवल मेरा बाबा कहा और संतुष्ट हो गए। हमें बाबा से नाता जोड़ना है, वो हमारा खुदा दोस्त है, इस स्मृति में रहना है। वो हमारा साथी है, इस स्मृति में रहना है, साथ साथ पावरफुल योग के द्वारा, अनेक स्पिरिचुअल ड्रिल्स के द्वारा। हमें अपने को लाइट रखना है और अपने विकर्म विनाश भी करने हैं। योग से, पांच स्वरूपों के अभ्यास से न केवल विकर्म विनाश होते हैं बल्कि सारे सद्गुण, संपूर्ण प्योरिटी, निर्भयता, रॉयल्टी और अनेक सुंदर जो धारणाएं हैं वो जीवन में आ जाती हैं। हम न्यारे और प्यारे रहने लगते हैं, मन सब चीजों से उपराम होने लगता है, सर्व कर्मेंद्रियों के रस पीछे छूटने लगते हैं क्योंकि ईश्वरीय रस का अनुभव बहुत ज्यादा होने लगता है। तो बहुत ध्यान दें अपने योग के पुरुषार्थ पर, अपनी दिनचर्या में कुछ प्लान बनाएं ताकि हम कर्म करते हुए या घरों में रहते हुए, भोजन बनाते हुए, हम भिन्न भिन्न तरह के सुंदर अभ्यास कर सकें। स्वमान में रहना, ऐसा दीदी होना, बाबा से बातें करते रहना, ये सब भी योग के अंतर्गत आता है। और इन सब भिन्न भिन्न अभ्यासों के द्वारा अलग अलग प्राप्तियां होती हैं। विशेष रूप से इस स्वमान पर ध्यान देंगे, मैं विजय रथ हूँ। इस स्वमान के अभ्यास करने से जो माया को जीतने की हमारे अंदर शक्ति है वो इमर्ज रहेगी। इसके साथ यदि ये भी करेंगे, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, विजयी रतन हूँ और माया जीत हूँ, फिर यदि कोई विकार जीतना है तो उसके लिए याद करेंगे काम जीत हूँ या क्रोध मुक्त हूँ। ये संकल्प सवेरे सवेरे करने से माया को जीतने का बल हमें प्राप्त होता रहेगा। लेकिन विशेष बल हमें मिलेगा जब हम सर्व शक्तिवान की शक्तियों को प्राप्त करेंगे, और ये शक्तियों की प्राप्ति परम धाम में जाकर या नीचे बाबा की किरणें प्राप्त करके की जा सकती हैं। इसका अभ्यास सारा दिन बढ़ाना है। कोई ये नहीं कहे कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, टाइम मैनेज करना होता है। अगर आप सारा दिन काम करते हैं कंप्यूटर के साथ तो बीच बीच में एक दो मिनट अपने कार्य को रोक कर अच्छे अभ्यास किए जा सकते हैं। एक दिन के लिए आप एक अभ्यास अपनी बुद्धि में लेकर चलो कि आज मुझे ये अभ्यास करना है, या भिन्न भिन्न कर्म में अलग अलग अभ्यास करने हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि सारा दिन अच्छे से अच्छा योग का अभ्यास न हो सके। तो योगी बनेंगे, बाबा की निरंतर मदद मिलेगी, उसकी छत्र छाया के सुंदर अनुभव होंगे और लगेगा बाबा इज माई रेस्पॉन्सिबल, वो हमारी जिम्मेदारी संभाल रहा है। तो आज सारा दिन हम बाबा का आह्वान करेंगे, बाप दादा का फील करेंगे, बाबा हमारे पास आ जाता है, उसकी उपस्थिति फील करेंगे, इसको आदत बनाएंगे और फिर पावरफुल योग अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा,
परम धाम में सर्व शक्तिवान के साथ हूँ, उसको विजुअलाइज करेंगे, हम दोनों साथ हैं, सर्व शक्तिवान की शक्तियाँ मुझ में समाती जा रही हैं। ये अभ्यास बार बार करने से हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे और स्वयं को बहुत लाइट महसूस करेंगे। तो आइए आज योग के सुंदर अनुभव करें और योग की शक्ति स्वयं में भरकर विश्व को दान करें। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।